जरूर देखना। साइंस मैथ्स हमने तो भी जाना था, बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा किया। ये है मैथ्स का पार्ट वन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पेज ये है, हमने बीच बीच से थोड़ा सा किया। ओके गाइस, पहला है एक्टिविटी वन, उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। गाइस पहला है 12 14 12 2 4 का 4 आ जाएगा और 12 2 24। हाँ जी, देखिए मैं शेक पी रहा है बनाना का। 11 11 12 11 1 1 ऊपर से आएगा इस 11 11 और आंसर इज फिनिश। गाइस देखिए मिर्च किया जा रहा है, मैंने पी लिया गाइस। उसके बाद है 8 10 80, आंसर क्लियर। उसके बाद है गाइस 7 1 7 आ गया 1 1 और ऊपर से आ गया 4 14, 7 2 14, आंसर क्लियर। 10 1 10 14 1 40, सिंपल है वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। 10 और 14 में से 10 गए और आप लिख लेना 4 ऊपर से 0 10 10 4 40। गाइस तो कम आ रही है दूसरे पेज की। गाइस हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, एक्टिविटी है 4। एक सेकंड गाइस, ओ सॉरी गाइस, आपको गाइस ये तो हमें नहीं आते थे, जो है ना हमें आते थे लेकिन हमने किए नहीं। जल्दी जल्दी में हमें जो भी इजी लगा वो हमने कर ली, क्योंकि हमें अपने नानों के घर भी जाना है ना, इसलिए यह है एक्टिविटी 4। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सर्कल ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 4। गाइस 4 1 4, 5 2 8, 4 3 12। 12 को करना है इसी तरह, 4 के टर्म में जितने भी वर्ड्स आते होंगे वो करने हैं। और इधर है सर्कल ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 2। गाइस ये सारे 4 का है, गाइस 4 का है 20 12 40 48 72, और 2 का है 18 16 44 26 68 54। गाइस आगे है 3 का है 18 8 21 24 36 और 15। और गाइस इसका है 12 36 54 42। ठीक है गाइस, वो है 5 का है 50 45 15 35 20। उसके बाद गाइस 9 का है 81 54 27। नेक्स्ट पेज की बारी है गाइस, चलिए गाइस ये वाला पेज करते हैं। गाइस आपको बात पता नहीं, हमसे गलती हो गई है, ये 3 के टेबल में ना 8 नहीं आता गाइस, यहाँ पे ये 8 नहीं आता। और गाइस भाई ने ना अपने हैंड पे ना कौन सा हैंड है, ये वाला है गाइस, इस पर ना ये कर लिया कि हम उनके साथ ना प्रैंक करेंगे कि ना हम ना जा रहे थे तो ना हाथ पे बाइक लग गई किसी की ना, तो खून निकल आया। ठीक है हम गाइस उनका ड्राएंगे, ये देखिए ना यहाँ से रियल लग रहा है, बिल्कुल यहाँ से रियल लग रहा है। ओके गाइस अब आ रही है नेक्स्ट पेज की, चलो ना गाइस सीरियस ये लग रहा है कि खून निकल रहा है ना। चलो गाइस अब काम करते हैं। एक्टिविटी 5 है एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस, 3/7 + 2/7। तो गाइस 3 + 2 = 5 और 7 जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कभी प्लस नहीं करते, डिनोमिनेटर को हमेशा प्लस करते हैं। तो गाइस इसकी फॉर्म आ जाएगी 3 + 2 = 7, 3 + 2 = 5 = 7। आंसर अगला का है 5 + 5 मैं आपको बता दूँ 5 + 1 = 6 और 8 का 8, आंसर। उसके बाद गाइस ये भी सेम करना है, ये भी 5 बनता है वो भी 5 बनता है, लेकिन ये होगा 5/6। ये गाइस आप खुद ही करेंगे, लेकिन इसका आंसर हमने बता दिया, जो दूसरा वाला पार्ट है वो आप खुद ही करेंगे। गाइस इसका आंसर है 3 + 4 = 4 है इसका आंसर। ये गाइस इसका आंसर है 5 + 6 = 6 आंसर, इसका भी आंसर निकल आया है। उसके बाद है 3 + 2 = 5 / 9। गाइस मैंने में 5 ही आई जा रहे हैं, इसका भी आंसर निकल आया है, इसका भी आंसर निकल आता है। इसका है 4 - 2 आ गया है 1। गाइस 4/2 आता है 2/6, उसकी करने की तो आ गया है 1/3 आंसर। उसके बाद है गाइस 9 - 3 / 10 6/10। गाइस यह आ गया है माइनस के, 9 में से 3 गए आता है 6 6/10 आंसर। अगर गाइस 3/3 में से माइनस की है 3 आ गई है 3/12, गाइस की करने की होने गया 1/4 आंसर। उसके बाद गाइस 2/8 - 1/8, 2 - 1 = 8 = 1/8 आंसर। उसके बाद गाइस 8 - 2 = 6/1 6/11 आंसर।
आपने बोला नंबर ठीक है ना 59.04 69 गाइस आपको एक बात बता दो पॉइंट्स हमने पहले वाले वर्ड देखने हैं और पॉइंट के जो बाद में एक वाला वर्ड है ना उसको हमने देखना है कि वो प्लस हो सकता है कि नहीं ठीक है गाइस आगे है 39.672 40 पकड़ के रख लो गाइस 68.841 इसका बोला 1.137 मैं तो ये बोली जाना अच्छा सॉरी 1 आगे 39.762 40 8.72 9 3.898 4 आगे उसके बाद है ये वाला 34.33 34 17.723 18 11916 उसके बाद है 0.993 93 का 81 1 ठीक है उसके बाद है 0.82 81 ठीक है 72.93 73 आगे है 6.6794 7 आगे है 2.93 3 गाइस आगे है एक्टिविटी 8 गाइस फिर चलें फिर हम ये करते हैं इसमें हमें ना गाइस जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं ना ये भी एरो ये होता है लाइन सेगमेंट जिसके दोनों तरफ पॉइंट और अकेले भी पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट उसके बाद गाइस जो एक तरफ पॉइंट एक तरफ एरो होता है रे चलो गाइस फिर शुरू करते हैं पहला क्या है लाइन सेगमेंट गाइस आपको क्या कहता है लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एरो होते हैं उधर हमने लाइन सेगमेंट लिया और कहां पर है दोनों तरफ एरो गाइस दोनों तरफ एरो भी है लाइन सेगमेंट और गाइस इधर भी है लाइन सेगमेंट उसके बाद नीचे देखते हैं गाइस नीचे भी नहीं है चलो गाइस हम करते हैं पॉइंट गाइस पॉइंट वो होता है जिसे हम कहते हैं डॉटेड को गाइस ये भी डॉट है ये पॉइंट बना ये पॉइंट बना नहीं ये पॉइंट बना ये पॉइंट बना ये पॉइंट बना और ये भी गाइस ये भी बना हाँ गाइस रे जो होता है रे रे के को कहते हैं एक तरफ डॉट हो पॉइंट हो और एक तरफ एरो हो उसको कहते हैं रे जैसे कि ये रे है ये रे है और कोई रे नहीं है नीचे ये रे है हाँ ये रे है बस इसके बाद गाइस नेक्स्ट पेज पे बारी ये है नेक्स्ट पेज 29 टेल वेदर दी डॉटेड लाइन ऑन इट शेप रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑफ गाइस आपने बताना ये हाफ है या फिर नहीं पहला राइट यस और नो पहला का है यस दूसरा यस तीसरा आगे तीसरा आगे चौथा नो आगे गाइस नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन इट शेप पहला हाफ ऑफ ये सी है इसका हाफ ऑफ ये होगा ये इसका होगा ये इसका होगा और ये इसका होगा उसके बाद ड्रॉ द सेकंड हाफ ऑफ इट हमने खुद ड्रॉ करना है शेप गाइस ये हाफ हार्ट बना था हमने इसको फुल हार्ट बना लिया ये हाफ शेप बनी हुई थी इसको फुल कर लिया इसको फुल कर लिया इसको फुल कर लिया आप इसको फिल कर लेना आपको पता ही है हमारे मामू पौधे हैं उनके लिए वॉक करना फादर पक्षियों का हम उनकी बात करते इसलिए हमारा भी लॉग लेट हो जाता है ठीक है गाइस उनकी इबादत करना फादिया बख्शना और उनको वॉक करना कि उनको जन्नत में जगह दे ठीक है गाइस चले फिर हम करते हैं चलो गाइस तो गाइस ये हमने नहीं किया सॉरी गाइस किया अक्यूट और अपट्यूज एंगल गाइस अक्यूट कहते हैं छोटे वाले ब्लॉक्स को और अपट्यूज कहते हैं बड़े वाले बड़ा हो जैसे कि ये बड़ा है ये बड़ा है है तो गाइस हमने वही कहना है विच ऑफ द एंगल आर अक्यूट विच ऑफ द एंगल आर ऑब्ट्यूज हमने बताना है गाइस अक्यूट है ए वाला सी वाला ई वाला जी वाला एच वाला है अक्यूट और जो ऑब्ट्यूज है बी वाला डी वाला एफ वाला और आई वाला बी वाला देखें बड़ा है ना ए से तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट फेज की बारी गाइस ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल गाइस मैं समझ लेना गाइस गाइस का आप देख सकते
टू प्लस और सिक्स माइनस। भाई जी आप देख सकते हैं ये है टू प्लस आप गाइस टू और ये सिक्स माइनस, ये माइनस ही ओहो कौन सा करें। हाँ हम आपको एक समझा देते हैं बाकी कर लेना, हम आपको समझाते हैं ये वाला। गाइस सपोज आप देख लें इस तरह करना है, लेकिन गाइस समझे में मुश्किल है, ये देख लें आप खुद ही इस तरह करना है। ठीक है गाइस ठीक है गाइस इस तरह करना है। ठीक है गाइस अब आएंगे नेक्स्ट की। गाइस गाइस पहले हम बस एक समझा देते हैं गाइस आपको, हम हाँ एक समझा देते हैं काम करते हैं। नीचे रखो ना गाइस, मैं समझाती हूँ आपको। टू और सिक्स वाला कहाँ गया गाइस, मैं समझाती हूँ आपको, एक मिनट रुकें गाइस एक मिनट रुकें मैं आपको। तो गाइस थोड़ा सा गलत लिखा होता था हमने गाइस, मैं अपनी बुक ले ली गाइस। ये देखें गाइस नीचे करना जरा गाइस, ये देखें ये है टू और सिक्स, ऊपर गाइस वैल्यू देखें आप खुद ही, टू और सिक्स लिखी है गाइस और नीचे भी टू और सिक्स लिखा है गाइस। इसका मैं आपको समझाता हूँ, टू प्लस है और सिक्स माइनस है गाइस, ये टू प्लस है, टू आता है नीचे गाइस इसपे देखें, ये है खाली खाली तो ये होगा प्लस, और जो इसके आप गौर से देखें इसके सेंटर में माइनस जैसा निशान लगा हुआ है तो वो होगा माइनस गाइस। ये जो है टू प्लस गाइस, टू प्लस आ रहा है आ रहा है नीचे यहाँ पे मिलता है, और सिक्स माइनस सिक्स आ रहा है आ रहा गाइस यहाँ पे मिलते हैं गाइस। ये हो गया यहाँ पे हम टू माइनस वाली माइन स्टेटमेंट गाइस। वैसे तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखना गाइस, गाइस वैसे समझ में मुश्किल होगी गाइस, यहाँ इस ब्लॉक्स में आपने ये लिखना है सेम सेम जगह पे पता नहीं। अच्छा गाइस आप देख लें गाइस, हमने फाइव पे लिखा लेकिन आपने सिक्स पे लिखने हैं। ओके ये हमने फाइव पे लिखा लेकिन आपने सिक्स पे लिखना है। गाइस आप वन वन भी देख लें गाइस, सारा देख लें गाइस, मैं तस्वीर भी पढ़ रही हूँ एंड पीछे। ठीक है गाइस ना गाइस एक्टिविटी चेंज करने के बाद, ठीक है गाइस अगला पेज नंबर है ये वाला, मेक अ बार ग्रुप गाइस गाइस आप देख सकते हैं मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉल। अच्छा गाइस जी है बीच बॉल, बीच काउंट करते हैं बीच बॉल कितने हैं देखना गाइस, इसमें बीच बॉल आप देखते हैं कितने हैं, वन और ये टू, ये टू है तो हमने इसको टू में स्केच लगा के इसके अंदर कर लिया है कलर। आगे है फुटबॉल, फुटबॉल कितना है ये वन है गाइस, वन नहीं है सिर्फ तो हमने वन को कलर कर दिया। उसके बाद है सॉकर बॉल, सॉकर बॉल का बोला वन टू थ्री तो गाइस हमने सीधा कर लिया कलर कर दिया है। उसके बाद है गाइस बेसबॉल, बेसबॉल गाइस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गाइस हमने पूरा कलर कर दिया क्योंकि टोटल नंबर ही सिक्स है। आगे गाइस उसके बाद है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हमने कलर कर दिया है। गाइस नीचे वाला है क्वेश्चन करें हाउ मैनी बेसबॉल्स आर देयर, बेसबॉल हमारे पास टू है इसलिए हमने इसका आंसर लिख दिया टू। इसके बाद हाउ मैनी बास्केटबॉल एंड बेसबॉल्स आर देयर इन ऑल गाइस, इन दोनों को हमने प्लस करना है फाइव, ये फाइव है ये सिक्स है, सिक्स और फाइव आया इलेवन, ये आ गया आंसर। हाउ मैनी मोर बास्केटबॉल आर देयर द फुटबॉल गाइस, ये आप देख रहे हैं आंसर समझाने में मुश्किल होगी। ठीक है गाइस इसके बाद है ये क्वेश्चन आंसर हैं, इन पहला है हाउ मेनी कार्ड्स वर सोल्ड, कितनी कार्ड्स हैं जो सोल्ड हुई हैं गाइस, हाउ मेनी कार्ड्स हैं सोल्ड हुई हैं, इधर हमने लिख दिया फाइव। हाउ मेनी मोर एनिमल एलिफेंट देन ड्रग्स वर सोल्ड, फोर फोर गाइस, वो कह रहे हैं एलिफेंट कितने ज़्यादा सोल्ड हुए हैं ड्रग से ज़्यादा, वो हुए हैं फोर। उसके बाद गाइस विच टॉय सोल्ड द मोस्ट, ड्रम गाइस सबसे ज़्यादा टॉय जो है वो ड्रम सोल्ड हुआ है क्योंकि इसकी लाइन सबसे ऊंची है। उसके बाद गाइस ये देखें इसकी लाइन सबसे ज़्यादा ऊंची है। उसके बाद है हाउ मेनी एलिफेंट्स आर एंड ड्रम्स वर सोल्ड इन ऑल, 16 गाइस ड्रम और शॉप सरकार और डक डक में से कौन बड़ा है, ये कौन सा सेल हुआ है, ये डक ये कार गाइस, तो कार गाइस हमने यहां पे लिख दिया कार। चल गाइस आगे है नेक्स्ट पेज गाइस, में तो हमने खुद ही कलर्स किए हैं। ठीक है गाइस ये है पहले कैमिलियन, ये पूरा की पूरा पहले आप चेक कर लें गाइस, ये गाइस आप देखें यहां पे हमने लिखना है एनिमल्स नंबर ऑफ एनिमल, यहां पे एनिमल और फर्स्ट ये नंबर आप खुद काउंटिंग चमेलियन, चमेलियन स्नेल नहीं देखा इधर देखें, चमेलियन यहाँ पे लिखा है उसका नंबर है फोर्थ, हमने फोर्थ तक कलर कर दिया। उसके बाद है स्नेल, स्नेल का नंबर है एट, सो हमने एट तक कलर कर दिया। उसके बाद है
रैट रैट है 12th तक, हमने 12th तक अलग कर दिया है। उसके बाद है रैट, के बाद है लीजर्ड, लीजर्ड है 14th तक, हमने 14th तक अलग कर दिया, 14th तक अलग कर दिया। उसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग है 18th तक, हमने 18th तक कलर। हमने ये ना यहाँ तक लाते हैं, ये 8th तक आते हैं, एक आधा कर लिए मिस्टेक हो गई थी इससे थी गाइस। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो गाइस ये है इब्राहिम, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।